माँ मंगला गौरी व्रत कथा। पौराणिक लोक कथा के अनुसार पुराने समय में धनपाल नाम का एक सेठ था। उसके पास धन धान्य की कमी नहीं थी, लेकिन उसका वंश बढ़ाने के लिए उसके कोई संतान नहीं थी। इस वजह से सेठ और उसकी पत्नी काफ़ी दुखी रहते थे, जिसके चलते सेठ ने कई जप तप ध्यान और अनुष्ठान किया, जिससे देवी प्रसन्न हुई। देवी ने सेठ से मनचाहा वर मांगने को कहा। तब सेठ ने कहा कि माँ, मैं सर्व सुखी और धन धान्य से सामर्थ हूँ, परंतु मैं संतान सुख से वंचित हूँ। मैं आपसे वंश चलाने के लिए एक पुत्र का वरदान मांगता हूँ। देवी ने कहा, सेठ तुमने यह बहुत दुर्लभ वरदान मांगा है, पर तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वरदान तो देती हूँ, लेकिन तुम्हारा पुत्र केवल 16 साल तक ही जीवित रहेगा। यह बात सुनकर सेठ और सेठानी काफ़ी दुखी हुए, लेकिन उन्होंने वरदान स्वीकार कर लिया। देवी के वरदान से सेठानी गर्भवती हुई और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। सेठ ने अपने पुत्र का नाम संस्करण किया और उसका नाम चिरायु रखा। समय बीतता गया और सेठ सेठानी को पुत्र की मृत्यु की चिंता सताने लगी। तब किसी विद्वान सेठ ने कहा कि यदि वह अपने पुत्र का विवाह ऐसी कन्या से करा दे जो मंगला गौरी का व्रत रखती हो, इसके फलस्वरूप कन्या के व्रत से उसके वर को दीर्घायु प्राप्त होगी। सेठ ने विद्वान की बात मानकर अपने पुत्र का विवाह ऐसी कन्या से ही किया जो मंगला गौरी का विधिपूर्वक व्रत रखती थी। इसके परिणाम स्वरूप चिरायु का अकाल मृत्यु दोष स्वतः ही समाप्त हो गया और सेठ का पुत्र नामानुसार चिरायु हो उठा। इस तरह जो भी पूरे श्रद्धा भाव से माँ मंगला गौरी का व्रत रखते हैं, उनकी सभी इच्छाएँ पूर्ण होती है। पति को लंबी आयु प्राप्त होती है तथा मनचाहा वर प्राप्त होता है। साथ ही विवाह में आ रही रुकावटें भी दूर होती हैं। शीघ्र विवाह का योग बनता है।